सुपौल जिला के छातमर प्रखंड का उधमपुर पंचायत का वर्तमान सरपंच जमीन विवाद को लेकर के आइए कुछ क्या कुछ कहा है सुनते हैं। आखिर क्यों लगा रोने मीडिया के सामने और जिला प्रशासन और छातमर प्रशासन क्या कुछ कर रहा है सुनते आइए। क्या नाम है आपका? मेरा जमीन जो है मेरे फरीक से कुछ दबंग लोगों ने निकाल लिया क्या वाला दाखिल खारिज में दे दिया। 4 महीना ऑब्जेक्टेड केस को दिख रहा है सीओ साहब के साइट पर दिखा रहा है ऑब्जेक्टेड, उसको रिजेक्ट नहीं करने के नहीं कर रहा और उनको बहकाया जा रहा है कि वो सरपंच साहब के जमीन में जबरदस्ती घर बनाओ, उसके बाद रिक्लेम करा करके जांच कराएंगे, उसके बाद तुम्हारा दाखिल खारिज कर देंगे। वहां पर दबंग आदमी है जाके मेरे जमीन में जबरदस्ती घर बनाना चाहता है, हमने उसको रोके तो हमारे पिताजी को सर पर मारा, कपार फोड़ दिया है, हाथ तोड़ दिया है, उसका थाना में एफआईआर अभी तक नहीं हुआ है और उसका जो है ऑब्जेक्टेड केस को रिजेक्ट नहीं किया जा रहा है, वहाँ पर जबरदस्ती खून खराबा करवा जा रहा है यहाँ से, और यहाँ पर जो है कहता है हम जांच करेंगे और उसको कहता है जांच करने जाएंगे तो पहले घर बना लो जमीन में तब तुम्हारा दाखिल खारिज हम कर देंगे। वो जबरदस्ती मेरे जमीन में घर बनाना चाहता है और यहाँ से जांच करता है 4 महीना से, वो जब तक नहीं घर बनाएगा तब तक जांच नहीं यहाँ से होगा, जब घर बना लेगा जबरदस्ती मेरे जमीन में तो जांच करके दाखिल खारिज यहाँ से कर दिया जाएगा मोटी रकम लेकर। अभी कौन सा पद पे है आप? हम अभी सरपंच पद पर है वर्तमान में, मेरा निजी जमीन को जबरदस्ती उन्होंने जो है मेरा फरीक के से लिखा लिया है। सरपंच क्या नाम है? मेरा शशि यादव नाम है। 20 लाख का जमीन 1 लाख में दबंग लोग मेरा फरीक से पटिया करके लिखा लिया है। उधमपुर पंचायत मेरा 20 लाख का जमीन 1 कट्ठा जमीन का कीमत 10 लाख 20 लाख रुपया है, वो मेरे फरीक से बाला फुसला करके 1 लाख रुपया में बाला फुसला करके लिखा लिया है और मेरा जमीन को जबरदस्ती तक कब्जा करना चाहता है। दाखिल खारिज हमारा दाखिल खारिज के लिए हमने आवेदन कहाँ दिया? हमने यहाँ आवेदन दिया थाना में, थाना वाला के दिया और उसका जो है मेरे जमीन पर भी जाने नहीं देता है वो लोग, जनता दरबार में केस किया त्रिवेणीगंज एसडीओ साहब के यहाँ केस चल रहा है, वो लोग तारीख पर भी नहीं जा रहा है, केस चल रहा है तारीख पर नहीं जा रहा है मेरा फरीक, और उन्होंने दबंग आदमी के हाथों 20 लाख की संपत्ति 1 लाख में बेच दिया है और उसके वाला दाखिल खारिज में दिया सर, उसको रोके है तो कह रहा है हमको धमकी दे रहा है कि उस जमीन में मुझे घर बनाने दो, मेरा पिलर गड़वा दो या सीओ लग से ऑब्जेक्शन हटा लो तब तुम्हारे गैरेज का ताला, मेरा निजी गैरेज का दुकान का ताला जाके मार दिया है, 3 दिन से मेरा गैरेज का दुकान बंद है, किसी से शादी का ऑर्डर लिया हुआ है, किसी का बेटी के शादी का सामान बनाना है लेकिन गैरेज में ताला मार दिया, कोई खोलने के लिए नहीं तैयार है। सीओ साहब बोल रहे हैं कि कल जांच करने जाएंगे तो तब तक मैं उधर जो है घर बना लेगा तो सीओ साहब दाखिल खारिज उसको कर देगा, मेरे जमीन में घर बनाने लगा दाखिल कर देगा, इसीलिए जबरदस्ती मेरे जमीन में घर बनाना चाहता है और वो पार्टी कह रहा है एक दबंग आदमी है अब मेरा गैरेज में ताला मार दिया, कहता सीओ लग से ऑब्जेक्शन हटाओ और उस जमीन में पिलर मेरा कराओ तब हम तुम्हारा दुकान खोलेंगे, और यहाँ पर प्रशासन कोई नहीं सुन रहा, मतलब सरपंच होकर के 3 दिन से